एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5 का चैप्टर द लिटिल बुली पार्ट 2। हाफ चैप्टर हमने पहली वीडियो में देख लिया था, जो उनसे हाफ चैप्टर रह गया था वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही उसने अपने एक्स को खाना स्टार्ट किया, उसको एक आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलने के बाद। हैरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेड इन फ्राइट, व्हाटएवर डू यू थिंक ही सॉ। हैरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, वो इधर उधर देखने लगा और उसको थोड़ा सा डर भी लग गया था। तो आपको मतलब जो भी इधर उधर उसको दिख सकता है उसको वो देख रहा था। हैरी ने देखा एक बहुत ही बड़ा क्रैब, मॉन्स्टर क्रैब, जो उसके साइड के जो पूल था वहाँ पे उसकी साइड साइड में घूम रहा था। हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोर स्क्विल। तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था और उसकी आंखें जो थी बिल्कुल किनारे किनारे पर थी उसके बेस की। हैरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ। और हैरी ने हाथ लगाया कि जो क्रैब होता है उसका जो पंजा होता है, क्लॉ होता है, उसको हिलाने के लिए उसने अपना हाथ निकाला। मगर उस क्रैब ने क्या किया, हैरी का हाथ अपने मुंह के अंदर ले लिया और वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री था और उसको वो चुबाने लगा। और जैसे कि पिंच करता था ना कोई, वो ऐसे ही उसके साथ क्रैब करने लगा और वो बहुत ही तेज चिल्लाने लगा। Oh, here is my good cousin, said the crab presently, and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. फिर देखा वो जो क्रैब होता है वो कहते हैं कि अरे मेरा भाई है ये, बहुत ही खुशी से कहता है। और जो हैरी होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और देखता है एक बड़ा सा लॉबस्टर भी आ रहा है पूल की साइड पे उसकी तरफ। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincher like claws and pinched it so hard. फिर क्या हुआ, वो लॉबस्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया और खूब तेज से उसको पिंच करने लगा और हैरी बहुत तेज चिल्लाया दर्द के कारण और वो इधर उधर देखने लगा पूल के, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज में होके वो पूल में देखने लगा। For out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. और फिर और भी बहुत सारे जानवर आ गए और सारे prawns, shrimps, lobsters, crabs, जितने भी जो ocean में रहने वाले काटने वाले जानवर वो सारे के सारे यहाँ आ गए और Harry को बहुत ही तेज काटने लगे। और फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। सारे के सारे जो भी जानवर थे उन्होंने हैरी से पूछा वाई, तो वो कहती है क्यों, हमें तो बताया गया था कि तुमको पिंच करना बहुत पसंद है, तुम तो चैंपियन पिंचर हो, तो आ जाओ तुम हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हैरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। हैरी बहुत ही तेज तेज चलाने लगा हिज लंच, तो उसका जो लंच था वो रोल हो गया था, छूट गया उसके हाथ से और वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। और जैसे ही ये देखकर लॉबस्टर क्रैब्स और जो बाकी सारी जो लिविंग क्रिएचर्स थी वो उस खाने की तरफ भाग गए फटाफट से। और हैरी ने जैसे ही देखा सब लोग वहाँ से भाग गए। दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। और फिर उसे समझ में आ जाता है कि जो जानवर थे उन्होंने सिर्फ वही किया था जो वो बाकी सारे बच्चों के साथ करता था, सबको परेशान करता था। फिर उसे समझ में आता है कि सारे के सारे बच्चे क्यों उससे इतनी नफरत करते हैं, क्योंकि वो सबको पिंच करता रहता है और प्रिक करता रहता है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।